बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं दुआ कुकिंग में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुआ कुकिंग। व्यूअर्स, आज मैं ईद स्पेशल डिश लेकर आई हूँ और ईद स्पेशल में जो डिश आज मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। शीर खुरमा के बगैर ईद अधूरी होती है और जब तक शीर खुरमा ना बने ईद का मज़ा नहीं आता। और आज जो शीर खुरमा मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का, और आप जब ये डिश ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में और खाने में। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं शीर खुरमा का। और शीर खुरमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले हमें चाहिए ये एक पैकेट सेवैयों का है, बारीक सेवैयाँ हैं, और इनको मैं ब्राउन करूँगी घी में। और इसके साथ मुझे चाहिए थोड़े से बादाम, आप देख सकते हैं थोड़े से हैं, 15 से 20 अदर ले लें। और ये कोकोनट हैं जो मैंने मोटा मोटा काट लिए हैं। और ये किशमिश है, मैंने वॉश करके यहाँ रख ली है। और छोटी इलायची है जो हम दूध में डालेंगे। और देसी घी है 1 कप, चीनी टू टेस्ट मैं यूज़ करूँगी। और दूध है 1 किलो, 1 किलो दूध मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, गर्म हो रहा है। और उसमें अब मैं इलायची डाल दूँगी और ये तमाम नट्स जो हैं इनको मैं फ्राई करके उसके अंदर डाल दूँगी ताकि हमारे जो नट्स है दूध के साथ पक जाए। और बाद में हम सेवैयों को गोल्डन ब्राउन करके फिर उस दूध के अंदर डालकर और पकाएँगे। चलते हैं अपनी रेसिपी के आगाज़ की तरफ। और दूध मैंने रखा हुआ है, दूध को हम अब देखते हैं कि उसमें नट्स फ्राई करके कैसे डाल दें। जी व्यूअर्स, ये हमारा 1 किलो दूध है जो मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है, ये बॉयल हो चुका है। इसमें अब मैं नट्स डाल दूँगी फ्राई करके। जी व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया, अब इसमें मैं नट्स फ्राई करूँगी और दूध में डाल दूँगी, साथ ही चीनी डाल दूँगी। हमारा दूध जो बॉयल हो चुका है और उस नट्स और चीनी के साथ वो पकता रहेगा। तमाम नट्स, बादाम, आप बादाम को काट भी सकते हैं लेकिन मैं इसी तरह साबुत ही डालूँगी, किशमिश, खोपरा, और थोड़ी सी छोटी इलायची 2 से 3 दाने। और 2 से 3 दाने इलायची के भी मैंने दूध में डाल दिए हैं पकने के लिए। अब इसको हम करेंगे गोल्डन थोड़ा सा, जैसे ये हमारा गोल्डन कलर में आएगा मेवा, तब जैसे हम इसको उठा के दूध में ऐड कर देंगे। हमारे जो नट्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं गोल्डन कलर में आ गया। मैं इसको उठा के दूध में डाल दूँगी और दूध में इसको पकाएंगे, और साथ में हम सेवैयाँ फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके उबलता हुआ दूध नट्स वाला हम अपने शीर खुरमे में डाल देंगे। हमारे नट्स रेडी हैं। साथ ही व्यूअर्स, मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी 2 टेस्ट, 3 से 4 चम्मच, और ये तमाम मेवे जो हमने नट्स को फ्राई किया इसके अंदर डाल दिए, ये दूध के साथ पकेंगे। हमारा दूध बॉयल आ रहा है, इसको पक रहा है ये। अब मैं सेवैयाँ फ्राई कर लेती हूँ और अपना शीर खुरमा रेडी करते हैं जल्दी से। व्यूअर्स, हमारा जो दूध है वो रेडी हो रहा है, पक रहा है, तब तक हम अपनी सेवैयों को गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। सेवैयाँ हम घी में गोल्डन कर लेंगे व्यूअर्स, और फिर इसके अंदर हम अपना जो मिल्क तैयार की है मेवों के साथ वो हम डाल देंगे। शीर खुरमा हमारा रेडी हो जाएगा, क्योंकि रेसिपी है व्यूअर्स। हमारी सेवैयाँ जो है गोल्डन हो चुकी है व्यूअर्स, हम इसमें डाल देंगे मिल्क जो हमने तैयार किया नट्स के साथ शीर खुरमे के लिए स्पेशल। जी व्यूअर्स, ये हमारे जो शीर खुरमा की रेसिपी, अब 2 मिनट में इसको व्यूअर्स हम 5 मिनट पकाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। व्यूअर्स, इसको मैं 5 मिनट पकाऊंगी और कवर करके पकाऊंगी, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं।
हमारा शीर खुरमा रेडी हो चुका है व्यूवर्स, आप देख सकते हैं 5 मिनट गुजर गए हैं और ये बिल्कुल यमी सा रेडी हो चुका है। ये देखें आप, अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। व्यूवर्स हमारा जो शीर खुरमा रेडी है और मैंने डिश आउट भी कर दिया, इसको गार्निश करेंगे थोड़े से क्रश किए हुए कोकोनट से। जी व्यूवर्स, आज की डिश शीर खुरमा आपको मेरी अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआ में दुआ को याद रखिएगा और अच्छे से ईद गुजारिएगा, ईद उल अज़हा का दिन है कल, और इन्जॉय कीजिएगा। दुआ में दुआ को याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Thank you.